I am Dr. Ajay Agarwal, Consultant Interventional Cardiologist at Brahmananda Narayana Multispeciality Hospital, Tamulia, Jamshedpur. आज हम लोग coronary angioplasty डिस्कस करेंगे. यह एक प्रोसीजर है जिसमें कि दिल की नसों का ब्लॉकेज हटाया जाता है. coronary angiography जैसा हमने पहले डिस्कस किया है, एक ब्लॉकेज देखने का टेस्ट है. angioplasty उसके ब्लॉकेज को रिमूवल का प्रोसीजर है. जब दिल की नसों में किसी नस में 80% से ज़्यादा ब्लॉकेज है, यह प्रोसीजर एडवाइस किया जाता है. समझने के लिए, जैसे ये दिल की एलईडी नस है, इसकी यदि ब्लॉकेज 80% से ऊपर हो तो एंजियोप्लास्टी से ठीक किया जा सकता है. इसमें पेशेंट को भर्ती किया जाता है, कुछ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं. यह टेस्ट जो ये प्रोसीजर है लोकल एनेस्थीसिया में या हाथ की जगह पे या ग्रॉइन की जगह पे सुन करके किया जाता है. पेशेंट को पूरी तरह बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो इसका फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट पूरे प्रोसीजर में जगा हुआ रहता है, पेशेंट को रिकवर करने में सहायता मिलती है. इसमें हाथ की नस के थ्रू एक पाइप डाला जाता है जो कि इस तरीके से जाकर दिल के अंदर बैठती है. उस पाइप के थ्रू एक तार दिल के मेन नस में या जिस नस का हमें इलाज करना है उसमें डाली जाती है. उस तार से एक बलून डाला जाता है जो कि वो बीमारी को दूर करता है. बलून हो जाने के बाद उस हिस्से पे एक स्टेंट डाली जाती है ताकि वहां पर बीमारी वापस ना आए. ये स्टेंट कुछ ऐसा दिखता है. जब स्टेंट लगाने के बाद तार और बलून निकाल दिया जाता है तो आपकी नस कुछ ऐसी दिखती होती है, यानी कि इसमें ब्लॉकेज पूरी तरह हट जाता है और दिल के नस का फ्लो एकदम नॉर्मल हो जाता है. ये पाइप भी निकाल ली जाती है. पेशेंट को प्रोसीजर होने के बाद पेशेंट को सीसीयू शिफ्ट कर दिया जाता है. 24 से 48 घंटा पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है. अगले दिन इफ पेशेंट स्टेबल रहता है तो उसको मोबिलाइज या चलाया फिराया जाता है और उसके अगले दिन पेशेंट की छुट्टी कर दी जाती है. तो जैसा आप समझ सकते हैं कि एंजियोप्लास्टी बहुत ही इजी प्रोसीजर है. पेशेंट जल्दी अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकता है और घर अपने जा सकता है. थैंक यू.